गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और फाइव पैसा में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि आज मार्केट कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक के बारे में। निफ्टी को अराउंड 18,050 का सपोर्ट मिल रहा है, वहीं 18,350 रेजिस्टेंस का काम करेगा। बैंक निफ्टी को अराउंड 40,500 का सपोर्ट मिल रहा है और 41,400 रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखते हैं फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे 7 से 10 दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले है GNFC, जहां पर साइडवेज मूव टू एंड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 473 पर। स्टॉप लॉस 461, पहला टारगेट 486 और दूसरा रख सकते हैं 505 पर। फिर आता है मैकडोवेल एंड, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 883 पर। स्टॉप लॉस 860 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 909 रख सकते हैं और दूसरा 945 रख सकते हैं। फिर आता है शैलेट, जहां पर साइडवेज मूव टू एंड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 242 पर। स्टॉप लॉस 236, पहला टारगेट 248, दूसरा रख सकते हैं 257 पर। फिर आता है शिल्पा मेडिकेयर, जहां पर रिकवरी ऑन कार्ड्स है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 600 पर। स्टॉप लॉस 583, पहला टारगेट 618 और दूसरा 642 पर रख सकते हैं। फिर आता है एस्ट्रा माइक्रोवेव, जहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 230 पर। स्टॉप लॉस 224, पहला टारगेट 238 और दूसरा 253 पर रख सकते हैं। आइए देखते हैं कॉल्स जो हमने आपको रिकमेंड किए थे उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तत्व 9.6% ऊपर गया, टच बोर्ड टारगेट्स। वहीं TCI एक्सप्रेस 6.7% ऊपर गया, टच फर्स्ट टारगेट। मैन इंफ्रा 5.3% ऊपर गया, टच फर्स्ट टारगेट। और TCI 24% ऊपर गया इन 6 डेज। अब देखते हैं स्टॉक इन न्यूज़। इसमें है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, अडानी पोर्ट्स एंड SEZ। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पैट में 17.7% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन रिपोर्ट किया टू ₹247 करोड़ फ्रॉम सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 22। नेट प्रीमियम इनकम 14.0% बढ़ा टू ₹14,660.64 करोड़। टोटल इनकम 37.6% बढ़ा एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड पैट सर्ज टू फोल्ड ईयर ऑन ईयर टू ₹286.4 करोड़ फॉर सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल 22। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9.31% बढ़ा। डिमांड रिकवरी इन की मार्केट्स एडेड सेकेंड क्वार्टर परफॉर्मेंस। अडानी पोर्ट्स और SEZ की बात करें तो सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 22 रिजल्ट मिस्ड स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस ऑन रेवेन्यूज एज वेल एज पैट पोस्टेड अ 30.51% डिक्लाइन इन कंसोलिडेटेड पैट टू ₹968.34 करोड़। टोटल कंसोलिडेटेड इनकम बढ़ा 18.8% ईयर ऑन ईयर टू ₹4,066.78 करोड़। आइए बात करते हैं FII और DI डेटा की। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने नेट ₹1,913.36 करोड़ के शेयर सेल किए। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नेट ₹472.48 करोड़ के शेयर्स परचेज किए। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ हम शाम को मिलेंगे क्लोजिंग अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल फाइव पैसा के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल फाइव पैसा को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। स्टे ट्यून्ड।